वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम फिगजैम पे बात करेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको यूएक्स प्रोसेस में हेल्प करता है। आप अपना सारा यूएक्स प्रोसेस, इट्स वर्किंग, इट्स माइलस्टोन्स, आइदर यू आर वर्किंग ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रीपेइंग यूजर फ्लोस, और वर्किंग ऑन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यू कैन कोलैबोरेट विद योर क्लाइंट, विद योर टीम मेंबर्स ऑन फिगजैम। तो फिगजैम कैसे काम करता है हम इसको आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगजैम में मौजूद एक AI अपडेट के बारे में, जिस पर अडोब और फिग्मा मिलकर इसके AI स्टैक पर काम कर रहे हैं। ये AI काफ़ी हद तक आपको यूज़र पर्सोनास या UX रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलता है डेस्कटॉप स्क्रीन पे एंड लेट मी शो यू। तो सबसे पहले आपने आ जाना है फिग्मा पर। यहाँ पर राइट साइड पे आपको फिगजैम का ऑप्शन मिलेगा और आपने फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको फिगजैम के AI टूल का एक आइकन दिखेगा। आपने यहाँ पर सिंपली अपनी क्यूरी देनी है और इस AI के टूल की हेल्प से आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, गैंट चार्ट या और भी काफ़ी ज़्यादा दूसरी टेम्पलेट है जिनकी हेल्प से आप अपने UX प्रोसेस को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को एज अ UX डिज़ाइनर डिज़ाइन से हट के अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमने इस चीज़ पर भी काम किया है, इस पर भी हमने रिसर्च वगैरह किया है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपने क्यूरी देनी है जस्ट लाइक दिस, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर यूजर फ्लो, और यहाँ पर आपने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी एक फाइल है, इसको मैं ओपन करूँगी और इस सारे टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे और फिगमा में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली मैं पहले ही आपको बता देती हूँ ये प्रोजेक्ट है किस बारे में। एक जनरल एप्लीकेशन होने वाली है ये, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, चाहे वो बैंक हो या हेल्थ हो या स्कूल्स हो या हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर आपने अपने यूज़र से फीडबैक लेना होता है कि उनकी आपके डिपार्टमेंट के बारे में क्या राय है, या अगर वो कहीं पर आपकी डेफिशिएंसी इनको दिखती है तो वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हरेसमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट को ये यूज़र फ्लो डिफाइन करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दूँगी, देखते हैं कि AI क्या आउटपुट लाता है और किस तरह से हमें यूज़र फ्लो में हेल्प करता है। तो सिंपली जैसे आप इसके जनरेट पर क्लिक करेंगे, ये सारा यूज़र फ्लो काफ़ी हद तक आपको आसानी से इसका यूज़र फ्लो प्रिपेयर करके दे देगा, जस्ट लाइक दिस। तो इसको अभी मैं बंद कर देती हूँ। ये इस बार गौर करने के बाद, जैसे कि मैंने इसको क्यूरी दी थी, इसने बिल्कुल वैसे यूज़र फ्लो प्रिपेयर कर दिया। इसके 3 एस्पेक्ट थे, लाइक कंटेनिंग द फीडबैक, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग देम, और हैरेसमेंट रिपोर्टिंग, और उसके बाद उसने इसके येस और नो के एस्पेक्ट पे भी काम किया हुआ है। अगर आप इन डायग्राम्स को लाइक बिल्कुल गौर से स्टडी करेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक आई नो कि ये 100% क्रैक नहीं है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी मिसिंग होगी। लाइक आई ऑलरेडी ट्राइड दिस टूल एंड इट्स रियली हेल्पफुल मी इन माय प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। तो इसी तरह लाइक आप यूज़र फ्लो प्रिपेयर कर सकते हैं। आई नो कि लाइक ये लॉन्ग जो यूज़र फ्लोज होते हैं, दिस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, बट लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, लाइक यूज़ केसेस वगैरह। दिस आर माई रियल लाइफ लाइक प्रोजेक्ट्स आई डिड फॉर माई क्लाइंट्स। तो ये तो कम्प्लीट एक फ्लो है, इट्स फॉर पैट ओनर्स जो कि अपने पैट्स के वो डायबिटीज़ चेक करने वाले होते हैं। तो बेसिकली मैंने ये यूज़र फ्लोज या आर्किटेक्चर्स बिल्कुल एक सिंगल स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, और उसके बाद उनको एक कंप्लीट प्लान प्रिपेयर करके दिया कि आपका सिस्टम कहाँ कैसे करेगा। आर्किटेक्चर में ये डिफरेंस होता है आर्किटेक्चर और यूज़र फ्लो में, कि जो आर्किटेक्चर होता है वो आपके तमाम सिस्टम को डिस्कस करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पेट की डायबिटीज़ चेक कर रहे हैं, उसके बाद वो डायबिटीज़ की रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर उसके साथ क्या करेगा, उस रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट बैक रिवर्ट करेगा आपके पेट ओनर की तरफ, और पेट ओनर उसका किस तरह से ट्रैक कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में डिस्कस की जाती है, बट यूज़र फ्लो में ये चीज़ होती है कि यूज़र फ्लो में आपने लाइक यूज़ केसेस वगैरह डिफाइन करनी होती है, कि अगर वो डायबिटीज़ की मशीन मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट नहीं हो रही तो उसका यूज़ केस क्या होगा, अगर वो जो डॉक्टर है वो उसको किस तरह से असाइन करेगा, लाइक येस और नो, सारे यूज़ केसेस हम लाइक किस स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन बनेगी, वो हम यूज़र फ्लो में डिस्कस करते हैं। तो ये जो AI टूल है ये काफ़ी हद तक आपको इन तमाम चीज़ों में
प्लान कर सकते हैं। अगेन अगर आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर अगर ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में, लाइक ब्रेन स्ट्रॉमिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट, तो इस तरह करके ये आपको टैम्पलेट्स देगा। आपने सिंपल यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है, आई नीड ब्रेन स्ट्रॉमिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वही सारा डाटा यहाँ पर पेस्ट करें, लाइक हमारे जो क्लाइंट्स की सारी रिक्वायरमेंट थी, तो काफ़ी हद तक ये हमें टैम्पलेट दे देगा उस ब्रेन स्टॉमिंग की, कि हम किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन हमें अपने क्लाइंट से पूछने हैं, या हमारा एजेंडा क्या होगा और हमारा नेक्स्ट स्टेप वगैरह क्या होगा इस प्रोजेक्ट के रिलेट। तो इस तरह से ये AI काम कर रहा है आपके FigJam में। और ये डमी टेक्स्ट है, इसको रिमूव करें, इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लाइक उसका इंट्रोडक्शन वगैरह या एक कंप्लीट टेम्पलेट दे देगा। इसी तरह से लाइक अगर आप इसका जायज़ा लें, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में मिलेंगे जो कि आप अपने क्लाइंट से पूछ के उसको काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं, लाइक पोटेंशियल ड्रॉबैक, डिफ़िकल्टी इन प्रायोरिटाइजिंग फीडबैक। तो यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन वगैरह है जो कि आप फिलअप कर सकते हैं, और ये आपके US की जर्नी में हेल्प भी करेगा। इसी तरह आप इसकी दूसरी टैम्पलेट्स वगैरह भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक टीम, ये वाला अगर लाइक डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको टैम्पलेट दे देगा कि हमारा स्टार्टिंग डूइंग क्या होगा, हमारा स्टॉप डूइंग क्या होगा, हमारा फीडबैक क्या होगा, और लाइक उनके नेक्स्ट स्टेप। आप हर चीज़ इसके हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं US प्रोसेस में। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट और भी स्टेप्स हैं, तो आपने सिंपली इन पर क्लिक करना है, उसके बाद अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिया है, उसके बाद ये AI टूल आपको कंप्लीट टैम्पलेट बना के दे देगा। आपने सिंपली इस पर जाना है और उसको एक्सप्लोर अपनी साइड से करना है कि ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी टीम, आप अपनी टीम को लीड कर सकते हो, यहाँ पर आपकी टीम आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हमारे मीटिंग के गोल्स ये है, हमारे सारे डिस्कशंस वगैरह, टॉपिक्स वगैरह, टू डू लिस्ट, एवरीथिंग। इवन कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप इसको ओनली डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टू डू लिस्ट को मैनेज करने के लिए, या फिर कुछ भी कोलैबोरेशन वगैरह करने के लिए टूल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने आने वाले वीडियोस में हम यूज़र फ्लोस और आर्किटेक्चर पर भी काम करेंगे, और मैं आपको कोई भी एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट स्क्रैच से समझाना लाइक स्टार्ट करूँगी कि आप किस तरह से आर्किटेक्चर के यूज़ केसेस पर रिसर्च करके अपने क्लाइंट की लॉन्ग प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप एक फिजिबल और मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। इवन कि बाज़ अवकात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपके पास सिर्फ एक आइडिया के साथ आता है कि आई वांट एन ऐप फॉर माय पेट्स टू चेक देयर डायबिटीज़, तो वो जो ऐप होगी वो हमारी डायबिटीज़ की मशीन के साथ लिंक होगी और हमने उनकी सारे ट्रैकिंग वगैरह कर लिया है, ओनली जस्ट वन आइडिया, और उस आइडिया के बेस पर आपने UX प्रोसेस के सारे माइलस्टोन्स को कवर करना है और एक फिजिबल और मोस्ट एफिशिएंट एप्लीकेशन के साथ उसको रिवर्ट करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये टूल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस टूल, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।